फाइनली बजाज कंपनी अपनी मोस्ट एंटेसिपेटेड बाइक पल्सर एन एस फोर हंड्रेड को नेक्स्ट मंथ थर्ड मे को लॉन्च करने जा रहा है इंडिया में एंड एनजीएनएस फोर हंड्रेड की लॉन्च थर्ड मे र्यूमर नहीं बल्कि कंफर्म ऑफिशियल लॉन्च डेट है बजाज की तरफ से सो so, अगर आप इस मंथ कोई नई फोर हंड्रेड सीसी बाइक बाई करने वाले हो तो आप उसे पोस्टपोन कर दो क्योंकि बजाज अपनी सबसे पावरफुल पल्सर को लॉन्च करने वाला है एडवांस फीचर के साथ सो so, आज मेरे पास अपकमिंग पल्सर ड्रेड की कंप्लीट डिटेल्स हैं आपको इस बाइक में क्या कुछ मिलेगा सो प्री लॉन्च से पहले आज मैं आपको ऑल न्यू बजाज पल्सर एनएस फोर हंड्रेड के बारे में बताऊंगा इसके इंजन फीचर्स एंड प्राइसिंग के बारे सो so, चलिए शुरू करते हैं आज के रिव्यू को डिटेल में बात करते हैं अपकमिंग पल्सर एन एस फोर हंड्रेड पर सो ओवरऑल डिजाइन इंस्पायर्ड होगा एन एस टू हंड्रेड से लेकिन एनएस फोर हंड्रेड की लुक और भी ज्यादा अग्रेसिव होगी देखने में फ्रंट में आपको ऑल न्यू हेडलाइट सेटअप मिलेगा पैरामीटर फ्रेम एन एस टू हंड्रेड का यूज होगा हाई परफॉर्मेंस के लिए मीटर कंसोल फुली डिजिटल होगा सो so इस बाइक में आपको कलर डिस्प्ले नहीं मिलेगा फ्यूल टैंक काफी स्पोर्टी एंड मस्कुलर लुक में होगा देखने में सीट स्प्लिट होगी एंड इसमें आपको मशीन अलॉय व्हील मिलेंगे डायमंड कट में सेम डोमिनार फोर हंड्रेड वाले हैंडल बार क्लिप ऑन होंगे व्हील साइज सेवनटीन इंचज का होगा सो so दोनों व्हील में आपको सिंगल डिस्क ब्रेक मिलेगी स्टैंडर्ड एबीएस के साथ सस्पेंशन फ्रंट में होगा 43 थ्री एम एम का सॉलिड फोक सस्पेंशन एंड एयर सस्पेंशन मिलेगा एडजस्टेबल मोनोशॉक एग्जॉस्ट इसमें अंडर बैली की जगह आपको कॉम्पैक्ट ट्विन बैरल एग्जॉस्ट मिलेगा टायर साइज काफी ब्रॉड होगा स्पेशली रेयर टायर एंड इसमें आपको ट्यूबलेस टायर भी मिलेंगे सो अब बात करते हैं ऑल न्यू बजाज पल्सर एनएस फोर हंड्रेड के इंजन एंड स्पेसिफिकेशन के बारे सो बजाज मेंंड्रेड में सेम डोमिनार फोर हंड्रेड का इंजन यूज करेगा एंड इसमें बजाज इसमेंटीएम का न्यू थ्री नाइनटी सीसी इंजन यूज नहीं करेगा फिलहाल इंजन इस बाइक का होगा 373.3 सेवन थ्री सीसी बी एस सिक्स फोर वेल्व लीकेट कुल ट्रिपल स्पार्क सिंगल सिलेंडर इंजन जिसमें ओवरऑल पावर मिलेगी 40 एचपी टॉर्क ये बाइक जनरेट करेगा 35 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क एंड नंबर ऑफ गियर होंगे सिक्स स्पीड गियर सीट हाइट इस बाइक की हाई होगी एंड फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मिलेगी थर्टीन लीटर तक माइलेज ये बाइक जनरेट करेगा थर्टी किलोमीटर पर लीटर था एंड टॉप स्पीड इसमें हाई मिलेगी सो परफॉर्मेंस एक्सीलेंट होगी न्यू पल्सर एनएस फोर हंड्रेड की ओवरऑल लेकिन इस बाइक में आपको माइलेज लो मिलेगी सो so, बात कर लेते हैं बजाज पल्सर एनएस फोर हंड्रेड के फीचर्स के कंप्लीट डिटेल्स के बारे में फ्रंट में आपको एलईडी हेडलाइट मिलेगी एलईडी डीआरएल के साथ ड्यूल चैनल एबीएस डिजिटल मीटर कंसोल के साथ इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट राइडिंग मोड्स के साथ नेविगेशन सिस्टम भी मिलेगा एंड इस बाइक में आपको स्लीपर एंड जैसा फीचर भी ऑफर किया जाएगा कलर ऑप्शन लेटेस्ट होगी न्यू ग्राफिक के साथ ऑल न्यू बजाज पल्सर एनएस फोर हंड्रेड की अगर हम प्राइसिंग की बात करेंगे तो इसका प्राइस रखा जाएगा इंट्रोडक्टरी वन लैक नाइन्टी फाइव थाउजेंड से वन लैक नाइन्टी नाइन थाउजेंड तक एंड लॉन्च एन एस फोर हंड्रेड का होगा थर्ड मे को एंड बुकिंग इसकी जल्द स्टार्ट होने वाली है सो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप में से कौन कौन एक्साइटेड है पल्सर एन एस फोर हंड्रेड के लॉन्च के लिए क्या आप इस बाइक की लॉन्च की वेट कर रहे थे काफी टाइम से क्या अपकमिंग बजाज पल्सर एन एस बेस्ट पल्सर होगा बजाज की तरफ से सो आप बजाज पल्सर एनएस 400 की लॉन्च की वेट कर सकते हैं नेक्स्ट वीक थर्ड मे को क्योंकि अब बजाज इस बाइक को ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च करने वाला है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो चलिए मिलते हैं अगले रिव्यू में